हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज़ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन हम लोग कई जगहों पर सुनते आए हैं और देखते आए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू नो द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का सबसे प्रॉपर डेफिनेशन फर्स्ट वाला है, एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। एवोल्यूशन क्या होता है? ग्रेजुअल चेंज मतलब स्लो चेंज होता है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है लंबे समय के बाद। और ये कैसे आता है कि करोड़ों सालों में ये चेंजेस आते हैं। जैसे अभी एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग पहले जानते हैं कि ह्यूमंस पहले मंकी की तरह थे, तो उसके बाद जब धीरे 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 चेंजेस आए तो उनका एवोल्यूशन हुआ, तो 7 मिलियन ईयर्स के बाद वो नॉर्मल हुए। तो इस तरीके से एवोल्यूशन आता है। एवोल्यूशन मतलब जो छोटी छोटी चेंजेस है वो धीरे धीरे छोटी 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 चेंजेस से बड़ा चेंज आ जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे इवॉल्व होना। तो एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अगेन वी हैव न्यू डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर। मतलब कि एक स्पीसीज है, कोई भी एक प्रजाति है, उसके कैरेक्टर में थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई तो उसको हम लोग दूसरा नाम दे देंगे। जैसे अभी कुत्ते और बिल्ली की बात करें, तो जैसे अभी बिल्ली में थोड़े बहुत चेंजेस आ गए, उसकी मूँछ हट गई और उसका रंग थोड़ा कुत्ते की तरह हो गया, तो उसको हम लोग डॉग्स स्पीसीज में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे एवोल्यूशन। और ये किसके वजह से हो सकता है? नेचर के वजह से, नेचर से जैसा रिस्पॉन्स रहता है। और एक डेफिनेशन है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम एनसिस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। मतलब कि एनसिस्टर्स से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करना, उनसे थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर रखना, उसे हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। तो ये सारे एवोल्यूशन के डेफिनेशंस थे, जो भी आपको ठीक लगे आप लोग उन्हें पढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग एवोल्यूशन का डेफिनेशन याद रखें।